गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस तरीके का सीवी एडिटिंग करना चाहते हो स्मार्टफोन के मदद से, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाया हूँ। एंड वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो एक लाइक करो, इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस, जब भी आप सीवी एडिटिंग करें तो सबसे पहले आप लोगों को बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है, कैसा बैकग्राउंड आप लोग लगाना चाहते हो, ठीक है। सो गाइस, बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोगों को फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड एडिट वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करके बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस, मैं जो बैकग्राउंड यूज करूँगा, इस बैकग्राउंड को अगर आप लोग लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। एंड आप लोग देख सकते हो मैं फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन के अंदर बैकग्राउंड को इनपुट कर लिया। इनपुट हो जाने के बाद गाइस, यहाँ पर आप लोगों को ऐड फोटो ढूंढ लेना है, ठीक है। क्योंकि गाइस, मैं मॉडल का जो बैकग्राउंड है पहले से ही इरेज करके रखा हूं। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाया हूं, उसको जाकर आप लोग देख सकते हो। ऐड फोटो पर टैप करूंगा एंड मॉडल को यहां से इनपुट कर लूंगा, ठीक है। गाइस, यहाँ पर मैं मॉडल को इनपुट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। आप गाइस जूम करके आप लोगों को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। एंड इसी तरीके से आप लोगों को लगाना है, नहीं तो अच्छे से यहाँ पर ये जो फोटो है अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुका है। आप गाइस, आप लोगों को राइट क्लिक कर देना है एंड यस पर टैप कर दीजिए। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज हो चुका है कम्प्लीटली। आप गाइस, आप लोगों को जाना है एडजस्ट वाले ऑप्शन के अंदर एंड यहाँ से गाइस आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा हाई कर देना है, ठीक है। और उसके बाद गाइस, आप लोगों को एक्सपोजर को कुछ भी नहीं करना है एंड हाईलाइट को माइनस की तरफ करके शेडो को हाई कर देना है। और हाई करने के बाद गाइस, आप लोगों को जाना है लास्ट में HSL टूल्स के अंदर एंड यहाँ से गाइस आप लोगों को ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके लेमुलेशन को हाई कर देना है। जितना हाई करोगे उतना ही फेस गोरा होता जाएगा। एंड गाइस, यहाँ से आप लोगों को सेचुरेशन को थोड़ा सा डाउन कर देना है, येलो कलर को सिलेक्ट कर लीजिए एंड सेचुरेशन को हाई कर दीजिए। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पर टी शर्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा कलर आ चुका है। आप गाइस, आप लोगों को ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेना है एंड सेचुरेशन को हाई कर देना है। और हाई करने के बाद गाइस, ह्यू को थोड़ा सा माइनस की तरफ कर दीजिए। करने के बाद गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड के साथ जो फोटो है मैच हो चुका है। एंड यहाँ से गाइस, आप लोग व्हाइट बैलेंस को आप लोग अपने फोटो के मुताबिक से एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है। सो गाइस, मेरा ऐसा ही अच्छा लग रहा है एंड यहाँ से मैं राइट क्लिक कर दूंगा। एंड करने के बाद गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट सीवी एडिटिंग हो चुका है, वो भी सिर्फ दो स्टेप के मदद से। सिर्फ आप लोगों को पहले सोच लेना है कि ऐसा बैकग्राउंड में लगाऊंगा एंड उसके बाद बैकग्राउंड को इरेज करके आप लोगों को फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन के अंदर लगाना है एंड रिटचिंग भी कर लेना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड लास्ट में आप लोगों को एक बोनस टिप्स देना चाहता हूँ, आप लोग कैसे फोटो को फुल HD में सेव कर सकते हो। 3 डॉट वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस कीजिए एंड यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा एंड एक बार बैक कर लीजिए, फिर से टैप कीजिए, सेटिंग ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से गाइस आप लोगों को इमेज क्वालिटी मिल जाएगा। इसको आप लोगों को मैक्सिमम कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस, आप लोगों को यूज़ कर लेना है, बैग आ जाइए एंड आप गाइस, आप लोग इसे सेव कर लीजिए एंड फुल HD में आपका फोटो सेव हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।